अब देखो ये व्यक्ति और प्रचलन से रिलेटेड कुछ अनियमितताएं हैं जो आप लोगों ने सुनी होगी अपने दैनिक जीवन में। मोच आती है, मोच yes, होता है, मोच आने के बाद अच्छे चल पाते हैं हम? नो क्यों? हमने बात करी है या हमने देखा ही है, ये दो ये जॉइंट है, इन जॉइंट को जोड़ने वाले जो लिगामेंट है ये क्या होते हैं, आवश्यकता से अधिक खींचे जाते हैं या कभी कभी टूट जाते हैं। ठीक, इसके कारण संधि वाले स्थान पर क्या होता है, तीक्ष्ण दर्द होता है और सूजन भी आ जाती है। तो ये भी रोग क्या कहलाता है, मोच। जब लिगामेंट टूट जाते हैं तो उनको ऑपरेशन करके सही करना पड़ता है। तो कभी कभी अपन यूँ सोचते हैं कि मोच आ गई और वो सामान्य बात है, हर मोच सामान्य नहीं होती, थोड़ी बहुत है, तकलीफ होगी, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी भी मोच को एकदम हल्के में नहीं लेना चाहिए, फ्रैक्चर से भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है आर्थराइटिस। जानते हो आप लोग आर्थराइटिस क्या होता है? अब हमने जॉइंट में बात करी है, संधि में क्या होता है, सिनोवियल द्रव पाया जाता है और वहाँ पर अस्थि उपास्थि आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये सिनोवियल द्रव समय के साथ क्या होता है, सूखने लगता है। और हमने बात ही करी है कि अच्छे से वर्किंग मूवमेंट के लिए, अच्छे से गति के लिए दो अस्थियों की आपस में फिसलन होना चाहिए या जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर जैसे लुब्रिकेंट क्या काम करते हैं, ये मशीनों के बीच में क्या ग्रीस या तेल, हाँ ग्रीस में डालते हैं, यदि है तो वो आवाज नहीं करते हैं yes. या घर में भी अपन लगाते हैं yes. तो यही जो सिनोवियल फ्लूड है ये हमारी अस्थियों के बीच में लुब्रिकेंट है। तो या तो ये समय के साथ सूखता जाएगा या कभी कभी ये सूख कर क्रिस्टल बना देगा या यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो सोचो आप कहीं जैसे अपन ये दोनों हाथ के बीच ऐसे कर रहे हैं, अभी बहुत स्मूथली मूवमेंट हो रहा है, सोचो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रेत रख लूँ दो तीन टुकड़े तो क्या होगा, तकलीफ होगी। तो अब हमारे जॉइंट लगातार वर्किंग में है और वहाँ अंदर क्रिस्टल जम गए हैं, तो फिर इन लोगों को क्या होता है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उनको चलने फिरने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है स्लिप डिस्क। ये आप लोगों ने बहुत अधिक सुना होगा इन दिनों में तो क्या अपने आसपास कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है स्लिप डिस्क की, हमें भी हो सकती है। हम थोड़ा सा यदि स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं जो बसों में कार में इनमें ज़्यादा सफ़र करते हैं और ज़्यादा स्पीड ब्रेकर पे जंप हो जाती है गाड़ी, हम तो आराम से बैठे हुए और हमें ध्यान नहीं है, तो हमारी जो 26 कशेरुकाएँ हैं पीछे वो क्या होगी, आप देखो वो अपूर्ण संधि में है क्या, अपूर्ण संधि पाई जाती है उनके बीच में, तो वहाँ तो जॉइंट करने वाले भाग ही पूरे नहीं हैं, तो वो कशेरुकाएँ एक दूसरे के ऊपर से क्या होती है, हल्की सी खिसक जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है। ठीक, या और भी लिखा हुआ है, या कशेरुकाओं को जोड़ने वाले जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं या तो वो आवश्यकता से अधिक खींच जाएंगे तो वो जिधर छोटा होएगा वो उधर आ जाएंगे और जिधर लंबा हो मतलब किधर भी हो सकता है मूवमेंट, यानी जो कशेरुका है जैसे एक साकल होती है कहीं बिल्कुल परफेक्ट जुड़ी हुई है, लेकिन ब्रेक लगने के कारण या किसी भी कारण, या भले अपन सामान ऊपर नीचे बहुत झटके से उठा रहे हैं गिर गए हैं, तो डिस्क है गोल वो स्लिप हो गई, उसने अपनी जगह छोड़ दी,
तो यही प्रॉब्लम कहलाती है स्लिप डिस्क की। फिर इन लोगों में लगातार क्या होता है, कमर दर्द बना रहता है और दुनिया भर की प्रॉब्लम रहती, खड़े रहने में भी दिक्कत आती है। ठीक, इसके बाद अगला क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियाँ भंगुर हो जाती है और ज़्यादातर एक निश्चित उम्र के बाद तो सभी में होती है, लेकिन महिलाओं में ये मेनोपॉज के बाद दिखाई देती है और होती ही होती है। इसके लिए बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैल्शियम फास्फोरस का जो भोजन, मतलब जिस भोजन में जिन पदार्थों में ये ज़्यादा पाई जाती है उनको खाना चाहिए, क्योंकि हमारे रक्त के अंदर सभी कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड सभी पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में। तो रक्त से कैल्शियम और फास्फोरस निकलकर कहाँ जमा होने लगता है, हड्डियों के ऊपर जमा होने लगता है। तो हड्डियाँ ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगी, कड़क, और जो ज़्यादा कड़क होता है वो क्या होता है, जल्दी टूटता भी है, और जो जितना ज़्यादा मुलायम है, हम अपने स्वभाव में भी रखो ये बात, तो एक सामान्य मात्रा होना चाहिए। हड्डियाँ मजबूत होने के लिए कैल्शियम भी आवश्यक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम ने फास्फोरस ने ये क्या है, एक पत्थर ही तो है, लगातार जमा होते जाएंगे। जैसे अपन खुदाई करते हैं चूने का, तो एक निश्चित समय के बाद उस दीवार में ही वो चूने का पत्थर बन जाता है, तो यहाँ तो हमारी हड्डियों के ऊपर जमा हो रहा है। तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और पुरुषों में भी 60 के बाद ये प्रॉब्लम होती है। हड्डियाँ कमज़ोर होना, भंगुर होना और भी भुरभुरा कर क्या होती है, आप सोचो लगातार अपन कुदाई करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो पपड़ी आ जाती है और गिर जाती है, तो यही हाल हमारी अस्थियों का भी होता है अंदर, कि आवश्यकता से अधिक यदि जमा होने लगेगा तो बिल्कुल भंगुर और कमज़ोर हो जाएगी और खुद ही क्या होगी, खिरने लगेगी और छिद्रमय हो जाएगी। लिखा ही क्या है, ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब पोर छिद्र हो जाना। तो ये है अस्थियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। ठीक है।